वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैसूर एनटी के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने दिनांक 26 जून 2023 को कौन कौन से रिजल्ट रिलीज किए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीएमएस फाइनल ईयर के, फिर एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप के, फिर एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप जो फरवरी 2023 में एक कोरिएंडम है और एक नॉर्मल है, फिर रीवेरिफिकेशन रिजल्ट आ गया है एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप का। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सभी बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं क्या, और अगर नहीं आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें देखिए, मैं बीएमएस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फरवरी में जो पेपर आए थे आप देख सकते हैं, करीब 57 पेज की जो लिस्ट है इसमें, करीब जो बीएमएस सेक्शन है वो आप देख सकते हैं, ज़्यादा मतलब सेक्शन जो रखा गया वो बीएमएस सेक्शन का रखा गया है। और हम देख रहे हैं लगातार कितने पेज नंबर तक, मैं आपको बता देता हूँ, अभी बीएमएस ही चल रहा है और हम 40 प्लस हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। फिर बीएमएस मतलब ये मोस्टली तो फाइनल ईयर के रिज़ल्ट के हिसाब से निकाला गया है जैसा कि समझ आ रहा है, क्योंकि ये देखिए करीब 53 पेज के रिज़ल्ट किसके, बीएमएस के। फिर 54 पेज पे आप आएंगे तो एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप कि आ गए, इसमें देखिए बैच साफ साफ मेंशन है 2021। फिर इसके बाद कोरिएंडम वाला रिज़ल्ट आ गया है और फिर रीवेरिफिकेशन का रिज़ल्ट भी आ गया है। देखिए रीवेरिफिकेशन लिखने के बाद जो एमबीबीएस लिखा है इसमें आप साफ साफ देखिए कि ये जो बच्चे हैं तीन बच्चे, इनकी रीवेरिफिकेशन में कॉपी में चेंज आया है। जैसे बच्चे पूछते हैं ना सर कि चेंज आया है कि नहीं आया है, तो इससे आप देख सकते हैं चेंज आया है। फिर आप रीवेरिफिकेशन देखिए, फरवरी 2023 में था 19 बैच का, उसमें एक बच्चे का है आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये किसके चेंज नहीं आए ये भी आप देख सकते हैं। तो एमबीबीएस किसके चेंज आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों के नो चेंज आए हैं और 1 2 3 4 5 6 बच्चों के चेंज आए, इसके अनुसार आप देख सकते हैं किसका चेंज आया किसका नहीं चेंज आया। धन्यवाद, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।